नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है LTIMindtree। देखिए, LTIMindtree एक L&T ग्रुप की कंपनी है, और इस दोनों कंपनी को क्या किया गया, मार्च किया गया, आप सभी जानते हैं। और मार्च होने के बाद इस दोनों कंपनी के जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर इस कंपनी के मैं कंपेयर के बारे में बात करूँ, मतलब इसका कंपटीटर के बारे में चर्चा करूँ, तो LTIMindtree के ऊपर एक मतलब एक पॉइंट्स आपको मैं शेयर करूँगा कि ये जो कंपनी है एक टाइम देखा है तो टेक महिंद्रा के भी नीचे थे, और आज धीरे धीरे करके नंबर 5 में खुद का रैंकिंग करा चुके हैं। तो इंडिया के टॉप 5 जो IT कंपनीज हैं उसके अंदर कंपनी का नाम दाखिल हो चुके हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 181,000 करोड़ के आसपास है, और कंपनीज के जो करंट जो कर्जा है वो ना के बराबर है। अभी देखिए, दो पॉइंट्स मैंने ऐड किया, दोनों ही यहाँ पे 0-0 देखने को मिला। अभी दोनों 0-0 क्या है, डेप डाउन साइड, मतलब कंपनी का डेप कम हुआ कि नहीं हुआ वो आपको देखने को मिलेगा। तो डेप कम नहीं हुआ इस साल में, और कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ तो वो भी 0 है, मतलब मार्जिन में इम्प्रूव भी मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। तो कंपनी के जो कैश फ्लो है वो आप देखेंगे ध्यान से, कैश फ्लो ठीक ठाक देखने को मिले, लगातार खुद का कैश फ्लो मेंटेन हो रहा है, अलग लेवल में ग्रोथ हो रहा है। अभी इसी कैश फ्लो को मैं अगर यहाँ पे कंपनीज के पेबल्स के बारे में बात करूँ और रिसीवेबल के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी को रिसीव कितना हुआ, करीबन 2100 करोड़ के आसपास, और पेबल्स मतलब कंपनी को पे कितना करना पड़ा, 412 करोड़। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि कंपनी को कितना, सॉरी, कंपनीज को जो टोटल एसेट, सॉरी टोटल जो लाइबिलिटी है आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है करीबन 1600 करोड़ के आसपास। और उसी बेसिस में कंपनी को कितना ट्रेड मिला, कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन देखा जाए तो 6600 करोड़ के आसपास। तो जितना कंपनी को पेमेंट करना है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुके हैं। तो यही कारण है इस कंपनी के आगे बढ़ने का, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ इसी बेसिस में हो रहा है, क्योंकि जितना कंपनी का ग्रोथ हो रहा है वो अच्छा खासा है। और कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है, अभी सेप्टेम्बर मंथ खत्म हो चुके हैं, अभी जल्द से जल्द Q3 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। LTIMindtree का इसी जनवरी मंथ में रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना ग्रोथ हुआ है। तो देखिए, कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, जिस बेसिस में नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, जैसे 457 करोड़ से 552 करोड़, उसके बाद 1100 करोड़, और उसके बाद 1100 करोड़। इसका मतलब हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। तो मैं जरूर कहूँगा यहाँ पे एक अलग लेवल के पॉजिटिविटी देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो FSDS पब्लिक, हर किसी के पास जितना होल्डिंग्स थे उतना ही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो हर दिशा में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव होने के कारण एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी इस कंपनी के ऊपर बना था, और उसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया, और फाइनली कंपनी ने टारगेट अचीव किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेड बना था, यहाँ पे शानदार तरीके से क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो कप बना और कप के बाद यहाँ पे क्या बना, 3 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट किया, और फाइनली क्या हुआ, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद के ब्रेकआउट देखिए, पहले इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, कन्फर्मेशन कर दिया, थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट किया, और वही बन गया कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अभी देखिए, रेजिस्टेंस बना है तो उसके ऊपर तो वो मतलब रेजिस्टेंस फेस करेगा ही। तो फेस करने के बाद यहाँ पे क्या किया, कुछ टाइम होल्ड किया। जब भी कुछ रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है कोई भी शेयर, और वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो सोचना कभी ना कभी वो उसको ब्रेकआउट करेगा और ऊपर साइड में वो ट्रेड करेगा। तो इजीली वो टारगेट को अचीव किया, और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं हुआ, करीबन 21% के आसपास टारगेट देखने को मिला। तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे देखने को मिला है। तो जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मेरा टारगेट हो चुके हैं, नेक्स्ट जो एंट्री बनेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है इन्फोसिस। देखिए, इन्फोसिस के ऊपर 2 बिलियन जो डॉलर का जो डील था
और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उस डील को कैंसिल होने के बाद बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि शेयर के ऊपर सर बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। मैं तभी बताया था कि बड़ी कंपनीज के ऊपर इस तरीके से डील कैंसिलेशन और डील पाने का हमेशा जुनून होता ही है, हमेशा सिचुएशन देखने को मिलते ही है। तो इसमें कोई पैनिक सिचुएशन मत करिए कि कंपनी के ऊपर बिग क्रैश होगा। ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 6.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। इंडिया के नंबर 2 पोजीशन में है आईटी कंपनीज इंडस्ट्रीज में। और इन्फोसिस के ऊपर मैंने एक अपडेट भी आपको दिया था कि मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया और शानदार तरीके से ट्रेड बना था। ट्रेड कुछ इस जगह पर मिल लिया। इस जगह पर लेने के जो मेन मकसद है मैं आपको बता दूँ कि जो प्रीवियस एक स्विंग लेवल है, प्रीवियस एक स्विंग सपोर्ट है, उस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद ही आप देखेंगे तो शेयर के ऊपर एक मैसिव जर्नी देखने को मिला, एक मैसिव जंप देखने को मिला। अभी जब भी आपने सपोर्ट क्रिएट किया उस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ही वो धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह पे सपोर्ट लिया और देखिए धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है का मतलब क्या है, कंपनी ईजी तरीके से आगे बढ़ा और यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। मेरा टारगेट इस लेवल तक था, ऑलमोस्ट 28% के आसपास यहाँ पर टारगेट मिला है, जो एंट्री लेवल से 28% तक टारगेट बना। तो इस जगह पे टारगेट बन जब एंट्री बना था तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो गैप डाउन है पहले इस गैप को फिलअप करेगा। तो फाइनली इस गैप को यहाँ तक फिलअप कर दिया। गैप फिलअप होने के बाद फिर से नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर अंदर फिर से एक गैप बना, तो फिर से गैप बना, मैंने ये भी बताया, फिर से वो गैप को फिलअप करेगा, फिर से वो गैप को फिलअप किया। तो उसके बाद देखिए धीरे 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 करके वो रिट्रेसमेंट करके टारगेट को अचीव किया। अभी आप कहेंगे सर क्या इसके ऊपर फिर से कोई एंट्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा क्या बना, एक बड़ा सा एक कप बनने जा रहा है। तो बड़ा सा एक कप बना और उसके बाद मुझे एक हैंडल बटन चाहिए। अगर हैंडल बटन कंफर्म करे तो मैं जरूर फिर से यहाँ पे एक, अगर हैंडल बटन कंफर्म करे तो यहाँ पे मैं एक एंट्री जरूर लूँगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट बुल रन में है। हाँ आप कहेंगे सर 1-2 दिन से तो मार्केट गिर रहा है, तो ये तो सिनेरियो है, मार्केट में कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होने वाला था, तो वो थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही, तो इसमें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो कंपनीज के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, तो मैंने ट्रेड क्यों लिया वो सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो ट्रेड कब लिया, यहाँ पे देखिए जो ट्रेड बना अप्रैल मंथ में, और अप्रैल मंथ का अगर डेटा मैं आपके सामने रख दूँ तो आप देखेंगे तो अप्रैल मंथ में मतलब मार्च अप्रैल इस जो क्वार्टर गया, इस क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स पिछले मतलब मार्च के क्वार्टर से अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला था, और उस बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा था। उसी बेसिस में कंपनी मार्च में 5,600 करोड़ का प्रॉफिट किए थे, और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, 6,000 करोड़। तो इसका मतलब प्रॉफिट में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर देखा जाए तो कंटिन्यूसली मार्च क्वार्टर में खुद के स्टेक को कंटिन्यू कर रहा था, कोई भी स्टेक बेचा नहीं था। उल्टा FIS के पास, सॉरी DS के पास जो होल्डिंग्स था करीबन 17-18%, उस होल्डिंग को भी कंपनी बढ़ा दिए थे। तो यही पॉइंट्स था जिस पॉइंट के चलते मैंने ट्रेड लिया। सिर्फ यही पॉइंट नहीं, और भी बहुत सारा रीज़न है, बहुत सारे कारण है, जैसे कैश फ्लो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी के ऊपर ट्रेड लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, मतलब कंपनी कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते जा रहा था। कंपनी के इस बार प्रोजेक्ट मिला करीबन 28,000 करोड़ के आसपास, तो आज तक की सबसे हाईएस्ट कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी का डिलीवरी के परसेंटेज दिखा दूँ तो पिछले दिनों में करीबन 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से कप बना और एक हैंडल पैटर्न वो इजिली अचीव करेगा, और इसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से एक एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। बाकी आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। देखिए आरती ड्रग्स आप सभी जानते हैं ये एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी कहेंगे सर क्या इसका 100% गारंटी है, बिल्कुल नहीं, मार्केट में किसी भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं होता। और हाँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं खुद की इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, 7 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा बैक टेस्टिंग किए, बहुत सारे डेटा को चेकआउट किए, उसके बाद ये सारे बात आपके साथ शेयर कराऊँ। तो किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज़ पहले आपके ओपिनियन होना चाहिए, आपके रिसर्च होना चाहिए, उसके बाद काम करिए। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के ऊपर काम कर लीजिएगा। तो आरती ड्रग्स के ऊपर बात करूँ तो सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस रिजल्ट में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट छुपे हुए हैं। पिछले बार कितना सेल्स था, 625 करोड़, इस बार कितना सेल हुआ, 578 करोड़।
अभी देखिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, Q3 में रिजल्ट इम्प्रूव होता है क्या, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी भी केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड जो है मार्केट में कम हुआ है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक्सपेंस कंट्रोल में है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं है, 37 करोड़ से 35 करोड़ देखने को मिला। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार डाउन साइड में जाने के बाद भी उतना ज़्यादा खास डाउन साइड नहीं देखने को मिला, उतना ज़्यादा भारी भरकम गिरावट नहीं देखने को मिला, जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इशू आए। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो भी देखिए इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है, खुद को स्टेक बेचा नहीं, उल्टा इस कंपनी के ऊपर स्टेक को खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि जब मार्केट के ऊपर बिग करेक्शन हो और वो कंपनी अगर फंडामेंटल फाइनेंशियली ठीक ठाक हो, तो वो कंपनी अगर आपको डिस्काउंट में शेयर दे रहा है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो तो आपको पता चलेगा खुद ही, आप अगर देखेंगे तो कंपनी के कैश फ्लो मुझे बहुत शानदार लगा। और कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी ने जो डिविडेंड पे आउट किया, इस ख़राब सिचुएशन में भी कंपनी 9 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे आउट किया। और कंपनी ने जो जितना कर्जा लिया, देखिए कंपनी जितना बोरिंग्स लिए उस कर्जे को कंपनी रिपेमेंट भी किया। अभी इस बार कंपनी फिर से ज़्यादा कर्जा उठा, करीबन 214 करोड़, तो उसको भी धीरे धीरे करके कंपनी रिपेमेंट कर देंगे। तो रही बात इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज, तो एक एवरेज लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला, करीबन 40% के आसपास। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैंडल बटन क्रिएट होने जा रहा है। तो जब भी हैंडल बटन कंप्लीट करेंगे तब मैं कुछ डेट जोड़ लूँगा, फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। और मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो डाउन साइड में कंपनी नीचे आए थे, वो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, कहाँ पे स्ट्रांगली एक सपोर्ट था उसी सपोर्ट में रिटेस्ट किया, और उसके साथ साथ एक 200 डेज EMA को भी वो फॉलो करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रांगली सपोर्ट के साथ साथ 200 डेज भी इसको नीचे नहीं लेके जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से यहाँ पे रिवर्सल कर सकते हैं। अगर रिवर्स करें और इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके करके ऊपर साइड में क्लोजिंग दे, तो ज़रूर यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसका ग्रोथ लगातार बढ़ते चले जा रहा है, और इस कंपनी एक के बदले एक शेयर आपको बोनस भी देने वाले हैं। तो बोनस का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं, सॉरी बोनस का डेट जो है वो 12 तारीख को, मतलब 12th of January में आपको एक के बदले एक बोनस कंपनी देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस के शौकीन है इस कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और इस वीडियो को टोटली एडुकेशन पर्पस में ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।